हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं डेली करेंट अफेयर, और डेली करेंट अफेयर में मेरा नाम शशांक कश्यप, और आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ेंगे डेली करेंट अफेयर, ठीक है। भारत और जर्मनी, भारत जर्मनी ने डेवलपमेंट बैंक से, भारत जर्मनी ने क्या डेवलपमेंट डेवलपमेंट बैंक से क्या किया उन्होंने? एक ऋण समझौता किया, किसके तहत? मेट्रो, सूरत मेट्रो रेल परियोजना के तहत, सूरत मेट्रो रेल परियोजना के तहत, ठीक है। भारत जर्मनी डेवलपमेंट बैंक से क्या किया? भारत जर्मनी डेवलपमेंट, जिसका क्या नाम है? KFN, KFW, ठीक है। इसके साथ क्या किया इन्होंने? भारत सूरत मेट्रो रेल परियोजना की शुभारंभ करने के लिए इस बैंक से क्या लिया इन्होंने? लोन लिया। कितने का लोन लिया इन्होंने? लिया 442.6 मिलियन मिलियन यूरो, यूरो का ऋण समझौता, ऋण समझौता किया भारत ने जर्मनी डेवलप जर्मन के डेवलपमेंट बैंक से। कितना? 442.26 मिलियन यूरो का ऋण लिया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मेट्रो, इसका मेट्रो है सूरत को शहरी समूह के परिवहन, सूरत समूह के शहरी परिवहन आधारभूत संरचना, आधारभूत की संरचना को मजबूत करना, और विस्तृत करना, ठीक है। ये इसका क्या है? उद्देश्य है। और इसमें कितना वित्तीय पोषण और लगेगा? इसका वित्तीय पोषण कितना लगेगा? लगभग 1.5 बिलियन यूरो, बिलियन यूरो इसका क्या लगेगा? इसका वित्तीय पोषण लगेगा, जो कि कौन सी? KFW बैंक से लिया गया है। मतलब अभी बैंक से इतना लोन लिया है, और आगे इसमें कितना लगेगा? 1.5 बिलियन यूरो, और मतलब इसमें लगेगा, ठीक है। ये हो गया आज का पहला पॉइंट। असम सरकार ने क्या किया? असम ने क्या किया? असम सरकार ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ एक इन्होंने असम कौशल विश्वविद्यालय, असम कौशल विश्वविद्यालय संरच परियोजना स्टार्ट की। मतलब ये असम में एक विश्वविद्यालय बनाएंगे, जिसका नाम क्या होगा? असम कौशल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परियोजना। इस परियोजना के तहत इन्होंने असम ने क्या किया? ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक से इन्होंने लोन लिया, ठीक है। और ऋण का मतलब बताया नहीं गया कि कितना ऋण लिया गया, ठीक है। और यह इसमें किस किस की सहायता करेगा? विश्वविद्यालय में यह बैंक किस किस की सहायता करेगा? एशिया डेवलपमेंट किसकी सहायता प्राप्त परियोजना के तहत मांगेगा? ये सहायता प्राप्त परियोजना के तहत ऋण दिया। किसने दिया?
इस बैंक ने इसको सहायता प्राप्त परियोजना के तहत इसको असम को ऋण दिया, असम को ऋण दिया। और इसमें क्या है, एशिया डेवलपमेंट बैंक सहायता, तकनीकी सहायता भी करेगा, तकनीकी सहायता, तकनीकी भी सहायता करेगा। कौन करेगा? एडीबी। आज का ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। 18 दिसंबर को कौन सा बनाया गया दिवस? 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अरे यार, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है। कितनी तारीख को बनाया गया? ये बनाया गया 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक प्रवास की समस्याओं और चुनौती से निपटने के लिए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। किसकी? वैश्विक प्रवासियों की समस्या। वैश्विक प्रवासी की समस्या, वैश्विक प्रवासियों की समस्या और उनकी चुनौतियों को निपटने के लिए इसको 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसकी विषय वस्तु क्या थी? इसकी विषय वस्तु ये थी, इसकी विषय वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी विषय वस्तु क्या है? हॉर्न सिंह द पोर्टल, पोटेंशियल, होल्डिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, ठीक है। ये इसका क्या है? हॉर्न सिंह द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, ठीक है। इसका क्या है? ये विषय वस्तु है। किसको? 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, जो कि वैश्विक प्रवासियों की समस्या और उनके निपटारे के लिए मनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, और क्या है? केंद्र सरकार ने क्या किया? सेंट्रल ने किसे? महाराष्ट्र सरकार से क्या किया? एक 5 राज्यों का मल्टीपल मॉडल पार्क स्थापित करने के लिए एक समझौता किया। राज्य ने 5 मल्टीपल, कौन से? मल्टी मॉडल कौन सा? मल्टी मॉडल लार्जेस्ट पार्क स्थापित करने के लिए बोला, ठीक है। किसने? सेंट्रल ने महाराष्ट्र राज्य से 5 मल्टीपल मॉडल लार्जेस्ट पार्क स्थापित करने के लिए बोला, ठीक है, के तहत एक समझौता किया जिसमें MMLP मुंबई, इसके तहत MMLP मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई महानगर के बड़े क्षेत्र, क्या आएंगे? बड़े क्षेत्र बड़े क्षेत्र आएंगे, और कहाँ पे? पुणे में औरंगाबाद नासिक दिदरी पोर्ट,
ठीक है, और कहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित किया जाएंगे, मतलब यहाँ पे इस चीज़ की इंडस्ट्रियल स्थापित की जाएगी इस पार्क को बनाने के लिए। मुंबई के बड़े बड़े नगर, नगर के बड़े क्षेत्र पुणे, औरंगाबाद, नासिक और दिल्ली पोर्टल, ठीक है, ये 5 जगह हैं जहाँ पे इस चीज़ को मॉडल को, लार्जेस्ट पार्क मॉडल को किया जाएगा। ठीक है, 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने क्या किया, इस आयोग ने फ्यूचर कूपन के साथ अमेजन के सौदे को रद्द कर दिया। फ्यूचर कूपन के साथ अमेजॉन के सौदे को रद्द कर दिया, मतलब इस सौदे को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। क्यों कर दिया, उद्देश्य साफ ना होना, मतलब सरकार ने इसका उद्देश्य साफ नहीं बताया, इसका उद्देश्य साफ नहीं बताया, इनका भी उद्देश्य साफ नहीं था और सरकार को भी इन्होंने उद्देश्य कोई साफ नहीं बताया। ठीक है, उसमें 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया कि मतलब आपने हमारे जे इसकी कुछ कंडीशन होंगी जिसके तहत इनके ऊपर जुर्माना आया, किस पे, अमेजॉन पे ये जुर्माना लगाया, ये जुर्माना अमेजॉन पे लगाया है। ठीक है, फ्यूचर कूपन, इन्होंने क्या किया, फ्यूचर कूपन ने 49% हिस्सा ऑलरेडी किसको, अमेजॉन को बेच दिया, कब, नवंबर 2019 में, इसको 49% हिस्सा किसको, अमेजॉन को फ्यूचर कूपन ने भेज दिया, भेज नहीं दिया, बेच दिया। ठीक है, क्या किया, 17 दिसंबर को भारत सरकार ने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर कूपन और अमेजॉन के हुए समझौते को रद्द कर दिया, इसका उद्देश्य साफ ना होने के कारण। ठीक है, और 202 करोड़ रुपए का अमेजॉन पर जुर्माना ठोक दिया। ठीक है, और इसमें फ्यूचर कूपन में 49% हिस्सा अमेजॉन पहले ही 2019 में खरीद चुका है। ठीक है, और गुजरात क्या है, गुजरात, गुजरात में अल्कलीज एंड कैमिल कल्स, अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड और गेल, गेल के बीच, गेल इंडिया, ठीक है, गेल इंडिया ने क्या किया, गुजरात में 1000 करोड़ का, इन दोनों कंपनियों ने कितना, 1000 करोड़ रुपए का क्या किया, गुजरात में निवेश किया, क्या किया, गुजरात में निवेश किया, किसने, गुजरात अल्काइंस एंड केमिकल्स लिमिटेड प्लस गेल इंडिया ने गुजरात में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसमें अनुवाद, इस निवेश को कहाँ किया, इस निवेश को बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने में, किसको, क्या, बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने में इन दोनों कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई, उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जिसके तहत बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, जिसके तहत देखिए, इस प्लांट में प्रतिदिन कितने, प्रतिदिन 500 किलोलीटर बायो एथेनॉल क्या होगा, इसमें बनेगा 500 लीटर प्रतिदिन, और इसकी इसमें किस प्रक्रिया में बनेगा, माइक्रो, किस प्रक्रिया के तहत बनेगा, माइक्रो बेल किण्वन,
माइक्रो बिलियन बिलियन किण्वन के माध्यम से यह बनेगा। इसमें कृषि इसे किससे इस किण्वन से उत्पादित किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसमें कितने 1,000 करोड़ रुपए का निवेश किया बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए। इसमें प्रतिदिन 5,500 किलो लीटर एथेनॉल निकलेगा। उसमें माइक्रो वीयर कैनवन के माध्यम से इस चीज़ को विकसित किया जाएगा। इसको बायो एथेनॉल को, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 17 दिसंबर को नेशनल कैटेगरी कोर, कैरियर कोर के कैडर द्वारा, कैडर दौर के कैडर द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के, मतलब इन्होंने क्या किया, नेशनल कैरियर कोर के कैटेगरी में इन्होंने क्या बनाया अपना, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय एकता गीत, राष्ट्रीय एकता गीत गाया। ठीक है, इस एकता गीत में कितनी, इस एकता गीत में 22 भाषा, कितनी 22 भाषाओं द्वारा इस चीज़ को संबोधित किया गया और इसका शुभारंभ किया, राष्ट्रीय एकता गीत का शुभारंभ किया। ठीक है, यह न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली के विजय श्रृंखला, सॉरी विजय श्रृंखला और संस्कृति पर आधारित, संस्कृतियों, ठीक है, विजय संस्कृतियों के महासंगम अभियान के ग्रैंड फाइनल के द्वारा लॉन्च किया। ठीक है, मतलब न्यू दिल्ली के विजय श्रृंखला और संस्कृति का महासंगम के दौरान इसको विजय एकता राष्ट्रीय एकता गीत को बताया गया, मतलब गाया गया, कहाँ गाया गया, नेशनल कैडेट कोर के कैरिडोर में। ठीक है, इसको राष्ट्रीय एकता दिवस गीत कहते हैं के तौर पे इसको गाया गया। किस लिए गाया गया, क्योंकि भारत ने 1971 में पाकिस्तान पे विजय प्राप्त की थी, इसके उपलक्ष्य में इसको गाया गया। भारत और एशिया, भारत के मध्यम, भारत का माध्यम एशिया वार्ता, भारत ने एशिया वार्ता क्या किया, भारत की तीसरी बैठक हुई, मतलब भारत मध्य एशिया भारत की तीसरी बैठक कितनी तारीख हुई, यह हुई 18 से 20 तारीख को। कौन सी बैठक हुई, तीसरी बैठक 18 से 20 दिसंबर के बीच ये तीसरी बैठक हुई। ठीक है, इस बैठक में क्या हुआ, इस बैठक में भारत और एशियाई भारत के, कौन से भारत और एशियाई भारत के, कौन सा मंत्री स्तरीय बात हुई, मंत्री स्तरीय संवाद हुआ। ठीक है, इनका क्या हुआ, मंत्री स्तरीय इनका संवाद हुआ। और इसमें कौन कौन से देश शामिल रहे, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य, ठीक है, इनका गणराज्य भी शामिल हुआ, और तजाकिस्तान, ठीक है, और तजाकिस्तान भी शामिल हुआ, तुर्किस्तान, छोटे छोटे देश हैं ये शामिल हुए, ये भी देश शामिल हो, कौन सा, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान के गणराज्य और तर्किस्तान और तुर्कमेनिया, उज्बेकिस्तान भी इनमें शामिल हुए। ठीक है, इस बैठक का उद्देश्य इनके, मतलब एशियाई वार्तालाप के प्रति था, और इनका
कुछ संबंध रक्षा संबंधों के बीच इस चीज़ का उपयोग करना था फ्रेंड्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें।